हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए कार्यालय प्रक्रिया मतलब कि ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 13 आज हम करेंगे। और ये क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, एफओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी, इन केवीएस, एनवीएस, DSSSB, यूपीएससी, एसएससी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। तो साथियों देखते हैं ऑफिस प्रोसीजर मतलब कि कार्यालय प्रक्रिया पर आधारित क्वेश्चन सीरीज पार्ट 13 का पहला क्वेश्चन 241। हु विल प्रपोज ए सुटेबल टाइटल ऑफ द पेपर अंडर रिव्यू। समीक्षा के तहत पेपर का उपयुक्त शीर्षक कौन प्रस्तावित करेगा, मतलब कि कोई समीक्षा हो रही है किसी पेपर की तो उसका सुटेबल टाइटल है कौन देगा, उपयुक्त शीर्षक कौन प्रदान करेगा। हमारे ऑप्शन है सीनियर ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स, डीलिंग ऑफिसर्स, रजिस्ट्री ऑफिसर्स। तो सूटेबल टाइटल कौन देगा, जबकि पेपर है अंडर रिव्यू है तो उसके लिए उपयुक्त शीर्षक है कौन प्रदान करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, सीनियर ऑफिसर्स है वो सूटेबल टाइटल देंगे किसको, जब पेपर रिव्यू किया जा रहा है उस टाइम पर सूटेबल टाइटल दिया जाएगा सीनियर अधिकारियों के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन देख लेते हैं 242। करस्पोंडेंस विद फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड देयर मिशंस इन इंडिया, हेड्स ऑफ इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस एंड पोस्टेड अब्रोड, द यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज विल नॉर्मली बी रूटेड थ्रू विच मिनिस्ट्री। विदेशी सरकारों या भारत में उनके मिशनों, भारतीय राजनयिक मिशनों के प्रमुखों जो विदेशों में तैनात हैं, या संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों के साथ पत्र व्यवहार आमतौर पर किस मंत्रालय के माध्यम से किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि विदेशी सरकारों के साथ में या भारत में उनके मिशन चल रहे हैं, या कोई भी उनके अधिकारी भारत में नियुक्त हैं, या भारतीय राजनयिक हैं वो विदेशों में नियुक्त हैं, या संयुक्त राष्ट्र और इसकी एजेंसियों में कोई पत्र व्यवहार करना है तो कौन से मंत्रालय के माध्यम से किया जाएगा। क्या डायरेक्ट कर सकते हैं या कोई मंत्रालय के माध्यम से करेंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब कि विदेश मंत्रालय के माध्यम से किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के माध्यम से विदेशी लोगों के साथ में पत्राचार किया जा सकता है, तो यहाँ पर मंत्रालय कौन होगा, ये माध्यम होगा विदेश मंत्रालय होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स होगा डायरेक्ट किसी भी सरकार के साथ में या उनके मिशनों के साथ में या राजनयिकों के साथ में, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ में और इसकी विशेष एजेंसियों के साथ में भी आप पत्राचार नहीं कर सकते। किसके माध्यम से कर सकते हैं, विदेश मंत्रालय के सीधे नहीं कर सकते। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 243। व्हाट मे बी स्पेसिफाइड फॉर आंसर्स इन केसेज इन विच स्टेट गवर्नमेंट्स, डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर ऑफिसेज, पब्लिक बॉडीज और पर्संस आर कंसल्टेड। जिन मामलों में राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के विभागों या अन्य कार्यालयों, सार्वजनिक निकायों या व्यक्तियों से परामर्श किया जाता है, उनके उत्तर के लिए क्या निर्देश किया जा सकता है। लैंग्वेज ऑफ द रिप्लाई, वर्ड लिमिट ऑफ द रिप्लाई, टाइम लिमिट फॉर द रिप्लाई, फॉर्मेट ऑफ द रिप्लाई। तो जिन मामलों में राज्य सरकारों या केंद्र सरकार के विभागों या अन्य कार्यालयों या सार्वजनिक निकायों या व्यक्तियों से परामर्श किया जाता है तो उनके उत्तर के लिए क्या निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, क्या निर्देश होने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, द टाइम लिमिट फॉर द रिप्लाई, मतलब कि उत्तर देने के लिए टाइम लिमिट है, एक बाउंडेशन होना चाहिए, एक टाइम पीरियड होना चाहिए, इतने समय के अंदर कोई भी निर्देश है या कोई भी बात है उसके उत्तर दे देने होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टाइम लिमिट फॉर द रिप्लाई। अगला सवाल देख लेते 244। जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर ड्राफ्टिंग, प्रारूपण के लिए सामान्य निर्देश हैं, तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं उनमें से कौन से पॉइंट सही हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है ए ड्राफ्ट शैल बी क्लियर एंड कंसाइज, द नंबर एंड डेट ऑफ द लास्ट कम्युनिकेशन इन द सीरीज, द रेसिपिएंट्स लास्ट कम्युनिकेशन ऑन द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी रेफर्ड टू, और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा ए सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन विल बी डन ऑन द मार्जिन ऑफ द ड्राफ्ट। कौन से पॉइंट है प्रारूपण के लिए या ड्राफ्टिंग के लिए सही हो जाएंगे। ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, जनरल इंस्ट्रक्शन है ड्राफ्टिंग के लिए है, तो ड्राफ्टिंग के लिए कौन कौन से पॉइंट सही हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ए ड्राफ्ट शैल बी क्लियर एंड कंसाइज,
मतलब कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। इसके साथ में सेकंड पॉइंट में द नंबर एंड डेट ऑफ द लास्ट कम्युनिकेशन इन द सीरीज, यहाँ पर नंबर देना होगा और साथ में डेट भी देनी होगी जो लास्ट कम्युनिकेशन किया गया है वो सीरीज में होना चाहिए। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है द रेसिपिएंट्स लास्ट कम्युनिकेशन ऑन द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी रेफर टू, जो पिछला कम्युनिकेशन किया गया है उसको भी यहाँ पर मेंशन करना होगा रेसिपिएंट को, जिसने भी पावती दी है तो लास्ट कम्युनिकेशन क्या किया गया है उसके ड्राफ्टिंग में मेंशन होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा ए सीरीज ऑफ द कम्युनिकेशन विल बी डन ऑन द मार्जिन ऑफ द ड्राफ्ट, मतलब कि मार्जिन पर जो कम्युनिकेशन किया गया है उसकी सीरीज है वो लगातार देनी होगी, मेंशन करनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर करेक्ट फॉर ड्राफ्टिंग। मूव टू क्वेश्चन नंबर 245। ऑल ऑर्डर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी साइंड बाय विच ऑफिसर इन हिज नेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के नाम से निष्पादित सभी आदेशों और अन्य दस्तावेजों पर उनके नाम से किस अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। एन ऑफिसर हैविंग रेगुलर और एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरिएट स्टेटस, अदर स्पेसिफिकली ऑथराइज टू ऑथेंटिकेट सच ऑर्डर्स अंडर द ऑथेंटिकेशन ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स रूल 2002, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी ऑल दी अबव, मतलब कि कोई भी राष्ट्रपति के नाम से जो पत्र जारी किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट जारी किए जाते हैं या आदेश पारित किए जाते हैं तो उस पर साइन कौन करेंगे, साइन करने के लिए कौन अधिकारी होगा। राष्ट्रपति के नाम से कोई आदेश या डॉक्यूमेंट्स हैं या पत्र जारी किए जा रहे हैं, इन सभी आदेशों पर और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कौन करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, सबसे पहले एन ऑफिसर हैविंग रेगुलर और एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरिएट स्टेटस, मतलब कि रेगुलर या एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरिएट स्टेटस उसके पास में होना चाहिए। इसके साथ में अबव द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी है, उससे ऊपर का अधिकारी है उस पर साइन कर सकता है। और सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, अदर स्पेसिफिकली ऑथराइज टू ऑथेंटिकेट सच ऑर्डर्स, मतलब कि इस प्रकार का कोई आदेश दिया गया है किसके तहत, ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स रूल 2002 के तहत कोई इस तरीके का आदेश है, ऑथेंटिकेशन दिया गया है, अधिकार पत्र दिया गया है कि आप इन पर साइन कर सकते हैं, तो इन सभी आदेशों और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकता है अधिकारी जो कि जारी किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 246। हु हैज द पावर टू इशू ऑर्डर्स नोटिफिकेशंस एटसेट्रा एज प्रोवाइडेड बाई ए स्टेट्यूट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के एक कानून द्वारा प्रदान किए गए आदेश अधिसूचना आदि जारी करने की शक्ति किसके पास में है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो कौन हो जाएंगे। कोई भी आदेश है, ऑर्डर है या नोटिफिकेशन है जो कि सरकार के एक कानून द्वारा प्रदान किए गए आदेश या अधिसूचना है इसको जारी करने की शक्ति किसके पास में है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आदेश जारी कर सकती है, नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी कर सकती है जो कि बताया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है, सरकार के कानून के द्वारा ये अधिकार प्रदान किए गए हैं कि आप आदेश जारी कर सकते हैं, अधिसूचना जारी कर सकते हैं, ये शक्ति किसके पास में है, सरकार के पास में, गवर्नमेंट के पास में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 247। एक्सेप्ट इन विच केसेज ऑफिसर शुड नॉट करेस्पॉन्ड बाई नेम, किन मामलों को छोड़कर अधिकारियों को नाम से पत्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, मतलब कि किसी के नाम से पत्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, कौन से मामले को छोड़ करके। ऑप्शन है ए क्लासिफाइड नेचर और ए डेमी ऑफिशियल लेटर, स्पेशल नेचर, अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस, और बिकॉज सम ग्राउंड हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड बाई पर्सनल डिस्कशन विद हिम, और सी ऑप्शन है ही वुड बी इन ए बेटर पोजिशन टू डील विद इम्पोर्टेंट मैटर्स, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। इन सभी मामले में अधिकारियों को नाम से पत्र व्यवहार किया जा सकता है, बाकी नहीं किया जाएगा। पहले मामले में क्या है, क्लासिफाइड नेचर और डेमी ऑफिशियल लेटर है तो बाई नेम किया जा सकता है। इसके साथ में स्पेशल नेचर का कोई काम है, अर्जेंसी है, इम्पोर्टेंस है, और इसके साथ में क्या बताया गया, बिकॉज सम ग्राउंड्स हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड बाई पर्सनल डिस्कशन विद हिम, मतलब कि कुछ मामले हैं उसने पहले से देख लिए हैं और आगे की कार्रवाई के लिए उसको डिस्कशन के लिए जरूरी हो जाएगा तो बाई नेम लेटर भेजा जाएगा। इसके साथ में ही वुड बी इन ए बेटर पोजिशन टू डील विद इम्पोर्टेंट मैटर्स, मतलब कि
वो अधिकारी एक स्पेसिफाइड अधिकारी हो जाएगा, बाय नेम हो जाएगा, क्योंकि वो मामले को अच्छी तरीके से समझ सकता है, अच्छी तरीके से डील कर सकता है, तो बाय नेम लेटर भेजा जाना चाहिए। बाकी सभी मामलों में बाय नेम लेटर नहीं भेजना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिस प्रोसीजर का पार्ट है कि बाय नेम ऑफिसर को लेटर नहीं भेजना चाहिए, परंतु इन सब मामलों में क्या करना है कि बाय नेम लेटर है वो जारी किया जा सकता है, भेजा जा सकता है, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑल दी अबव। अगला सवाल देख लेते हैं 248। When two or more communications are issued from the same file on the same date, what needs to be done to avoid confusion in reference? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं। कंडीशंस आप देखिए, जब एक ही फाइल से एक ही तारीख को दो या दो से अधिक संचार जारी किए जाते हैं, तो संदर्भ में भ्रम से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हमारे ऑप्शन है ए सेपरेट सीरियल नंबर में बी इंसर्टेड बिफोर द न्यूमरल आइडेंटिफाइंग द ईयर, सेपरेट रेफरेंस नंबर्स फॉर सेपरेट फाइल्स, सेम रेफरेंस नंबर फॉर बोथ फाइल्स, डी नन ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए सेपरेट सीरियल नंबर में बी इंसर्टेड बिफोर द न्यूमरल आइडेंटिफाइंग द ईयर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि सेम अगर कोई डेट से कोई सेम फाइल से दो से अधिक संचार जारी किए जाते हैं, उनके रेफरेंस है वो कैसे जारी किए जाएंगे, उनमें भ्रम से बचने के लिए रेफरेंस किस प्रकार से जारी किए जाएंगे। सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा। साथियों, नॉलेज मंडली आपको बता रहा है कि एक ही फाइल से अगर एक ही तारीख को दो से अधिक संचार जारी किए जाते हैं, तो संदर्भ के भ्रम से बचने के लिए किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक एग्जाम्पल है, ए डैश क्या आ जाएगा, 11011/5/1/2023 एस्टेब्लिशमेंट आ जाएगा, ये एस्टेब्लिशमेंट से जारी किया है। दूसरा रेफरेंस नंबर हो जाएगा A-11011/5/2 आ जाएगा और स्लैश आएगा 2023 एस्टेब्लिशमेंट में आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट से, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से ये फाइल है वो जारी हुई है, इस फाइल से लेटर जारी हुए हैं। तो यहाँ पर 11011 है वो एक फाइल नंबर हो जाएगा और उसके /5/1 हो जाएगा, पहला लेटर है वो फर्स्ट है और सेकंड यहाँ पर ब्रैकेट में इंसर्ट कर दिया है, तो सेम डेट को जारी हुआ है, तो यहाँ पर सेकंड आ गया, यहाँ पर फर्स्ट आ गया है, तो यहाँ कंफ्यूजन है वो दूर हो जाता है। एक ही फाइल से एक ही डेट को एक से अधिक कम्युनिकेशन जारी हो जाएंगे तो इसके लिए रेफरेंस है वो इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लेते हैं 249। The first three elements in the file number will be separated from one another by dash and the last two by dash. File संख्या में पहले तीन तत्वों को एक दूसरे से dash द्वारा अलग किया जाएगा और अंतिम दो को dash द्वारा अलग किया जाएगा। तो यहाँ पर file number है या referencing है किस तरीके से अलग की जाएगी, option देख लेते हैं। A slant stroke, A dash, A slant stroke, A dash, A dash, A dash. सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सी, ए स्लैंट स्ट्रोक ए डैश। तो एक स्लैंट स्ट्रोक यहाँ पर आ जाएगा, एक स्लैंट स्ट्रोक आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, एक स्लैंट स्ट्रोक आ जाएगा इसके साथ में ही, ए डैश यहाँ पर आ जाएगा, ये डैश आ जाएगा आपके, तो फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पर आ जाएगा, ये स्लैंट स्ट्रोक आ जाएगा, ये डैश आ जाएगा। मैं सेंटेंस को फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ। द फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स इन द फाइल नंबर विल बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाई ए स्लैंट स्ट्रोक एंड द लास्ट टू बाई ए डैश। ये आ जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 250। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइल नंबरिंग सिस्टम आर अडॉप्टेड बाई ऑफिस प्रोसीजर। कार्यालय प्रक्रिया द्वारा कितने प्रकार की फाइल क्रमांकन प्रणालियां अपनाई जाती है। टू टाइप्स ऑफ फाइल नंबरिंग सिस्टम, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड फाइल नंबरिंग सिस्टम, फंक्शनल फाइल नंबरिंग सिस्टम, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। मतलब कि सभी तरीके की फाइल नंबरिंग सिस्टम है वो अपनाई जाएंगी। सबसे पहले क्या है, टू टाइप्स ऑफ फाइल नंबरिंग सिस्टम है ये अडॉप्ट किया जाएगा। इसके साथ में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड फाइल नंबरिंग सिस्टम होगा कि मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार इनको बांटा गया है और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन होने के बाद में उसकी फाइल की नंबरिंग की जाएगी। इसके साथ में फंक्शनल फाइल नंबरिंग सिस्टम है ये अडॉप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि टू फाइल नंबरिंग सिस्टम में सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन आ जाएगा। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन करने के बाद में आप नंबरिंग करेंगे, इसके बाद में फंक्शनल फाइल के साथ में आप नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फंक्शनल फाइल नंबरिंग सिस्टम आ जाएगा।
टू नंबरिंग सिस्टम है यहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा। सबसे पहले है सब्जेक्ट फाइल क्लासिफिकेशन बेस्ड नंबरिंग सिस्टम है और दूसरा है फंक्शनल फाइल नंबरिंग सिस्टम है। साथियों, कार्यालय प्रक्रिया से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन है आपकी आगामी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एफ ओ, एस ओ, एस ओ, ओ एस, यूडीसी, एलडीसी, केबीएस, एनबीएस, यूपीएससी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑल दी अबव, क्योंकि दोनों टाइप के फाइल नंबरिंग सिस्टम है वो पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। 251, अंडर हाउ मेनी हायरार्कियल डिविजन्स इज द बिजनेस स्कोप ऑफ ए डिपार्टमेंट एनालाइज्ड एंड हाउ मेनी स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आर प्रिपेयर्ड। किसी विभाग के व्यवसाय क्षेत्र का विश्लेषण कितने श्रेणीबद्ध विभागों के अंतर्गत किया जाता है और शीर्षकों की कितनी मानक सूचियां तैयार की जाती हैं? ऑप्शन है फंक्शनल हेड्स विच मे बी कॉल्ड बेसिक हेड्स, एक्टिविटी हेड्स विच मे बी कॉल्ड प्राइमरी हेड्स रिलेटेड टू फंक्शनल हेड, एस्पेक्ट और ऑपरेशन हेड्स विच मे बी कॉल्ड सेकेंडरी हेड्स रिलेटेड टू एक्टिविटी हेड्स, फैक्टर हेड्स विच मे बी कॉल्ड टर्शरी हेड्स रिलेटेड टू ऑपरेशन हेड्स, और ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। तो किसी भी डिपार्टमेंट के बिजनेस स्कोप को एनालाइज करने के लिए कौन से स्टैंडर्ड हेड होंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। फंक्शनल हेड्स हैं उनको आप बेसिक हेड बोलेंगे, साथ में एक्टिविटी हेड्स विच में भी कॉल्ड प्राइमरी हेड बोलेंगे, और जो रिलेटेड है किसके साथ में? फंक्शनल हेड के साथ में। एस्पेक्ट और ऑपरेशन हेड्स हैं मे बी कॉल्ड सेकेंडरी हेड्स कहलाते हैं, उनको एक्टिविटी हेड्स बोलेंगे, और फैक्टर हेड्स विच में भी कॉल्ड टर्शरी हेड्स रिलेटेड टू ऑपरेशन हेड से संबंधित है। इस प्रकार से आप डिपार्टमेंट के कोई बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं और स्टैंडर्ड हेडिंग्स हैं वो देख सकते हैं। सभी उत्तर हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। ऑल द वे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए। और अगला सवाल देख लेते हैं। 252, विच फाइल इज नॉट नॉर्मली ओपन्ड इन फाइल नंबरिंग सिस्टम। फाइल नंबरिंग सिस्टम में कौन सी फाइल सामान्य रूप से नहीं खोली जाती है, मतलब खोली जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं। नहीं खोली जाती है उसका हमें पता होना चाहिए, और नहीं वाले क्वेश्चन से ज्यादा खतरनाक होते हैं। फाइल्स डीलिंग विद रिसिप्ट्स ऑफ रूटीन नेचर, फाइल्स डीलिंग विद अर्जेंट मैटर्स, फाइल्स डीलिंग विद इम्पोर्टेंट मैटर्स, फाइल्स डीलिंग विद इमीडिएट मैटर्स। फाइल्स डीलिंग्स विद रिसिप्ट ऑफ रूटीन नेचर की फाइल है वो सामान्य रूप से नहीं खोली जानी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा फाइल्स डीलिंग विद रिसिप्ट ऑफ रूटीन नेचर की, ये नंबर की नंबरिंग फाइल है वो नहीं खोली जानी चाहिए। ऑफिस प्रोसीजर पर आधारित क्वेश्चन सीरीज 13 का नेक्स्ट क्वेश्चन है 253, व्हाट इफ ए पेपर बेस्ड फाइल इज मिसप्लेस्ड। क्या होगा यदि कोई कागज आधारित फाइल गुम हो जाए? द फाइल विल बी रिकंस्ट्रक्टेड, ए न्यू डुप्लीकेट फाइल विल बी प्रिपेयर्ड, ए सेल्फ कंटेन्ड नोट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द करेस्पोंडेंस, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। अगर कोई पेपर बेस्ड फाइल है वो मिसप्लेस्ड हो गई है, गुम हो गई है, तो क्या करना होगा? एक नई फाइल खोनी होगी। सबसे पहले ऑप्शन में बताया गया है द फाइल विल बी रिकंस्ट्रक्टेड, मतलब फिर से बनाई जानी चाहिए। इसके साथ में ये न्यू डुप्लीकेट फाइल विल बी प्रिपेयर्ड, मतलब कि नई डुप्लीकेट फाइल बनाई जा सकती है। और सी ऑप्शन में बताया गया है ये सेल्फ कंटेन्ड नोट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द करेस्पोंडेंस, मतलब कि इस प्रकार के सेल्फ कंटेन्ड नोट बना करके एक फाइल है उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, क्योंकि पहले पत्राचार उससे संबंधित कहीं मिल जाता है तो उसके नोट बना करके और फिर से फाइल है तैयार की जा सकती है, क्योंकि वो फाइल मिसप्लेस हो गई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। Move to question number 254. Who is responsible for opening files on common subjects? सामान्य विषयों पर फाइलें खोलने के लिए कौन जिम्मेदार है? All ministries, departments, head of the department, chief secretary of a ministry, joint secretary of a ministry. तो सामान्य विषयों पर फाइलें खोलने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन खोल सकता है, कौन ऑथराइज होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, मतलब कि सामान्य विषयों पर कोई भी फाइल है वो खोली जा सकती है सभी मिनिस्ट्री के द्वारा, सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 255, हाउ कैन ए न्यू फाइल बी ओपन्ड इफ द इश्यू रेज्ड इन द फ्रेश रिसिप्ट और इन द नोट ऑन ए करंट फाइल गोज बियॉन्ड द ओरिजिनल स्कोप। यदि नई रसीद या वर्तमान फाइल पर नोट में उठाया गया मुद्दा मूल दायरे से बाहर हो जाता है तो एक नई फाइल कैसे खोली जा सकती है, मतलब कि मूल मुद्दे से अलग हो जाता है, कोई नया मुद्दा उठ जाता है तो नई फाइल कैसे खोली जा सकती है?
no new file will be opened. By placing photocopies of relevant extracts, new files can be opened at any time with permission from superiors. सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, by placing photocopies of relevant extract, मतलब कि फोटोकॉपी बना करके, फोटोकॉपी लेकर के एक नई फाइल खोली जा सकती है। यहाँ पर बताया गया एक नई रसीद या वर्तमान फाइल पर नोट उठाया गया मुद्दा मूल दायरे से बाहर हो गया है, मतलब कि उससे बाहर का कोई मुद्दा आ गया है, उससे अलग कोई मैटर आ रहा है, तो क्या करना होगा, नई फाइल खोली जा सकती है, फोटोकॉपी रख करके उसमें पुरानी फाइल के एक्सट्रैक्ट लेकर के फोटोकॉपीज को रख करके नई फाइल को खोला जा सकता है। इस प्रकार के मामले हैं कार्यालय में उठते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सही उत्तर हमारा हो रहा है बाय प्लेसिंग फोटोकॉपीज ऑफ रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स। नया सवाल देख लेते 256। इन विच सिस्टम ईच सेक्शन ऑब्लिक डेस्क विल मेंटेन अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड हेड्स टू बी रिव्यूड एवरी ईयर। किस प्रणाली में प्रत्येक अनुभाग या डेस्क प्रत्येक वर्ष समीक्षा किए जाने वाले मानक शीर्षों की अनुमोदित सूची बनाए रखेगा। हमारे ऑप्शन है फंक्शनल फाइल नंबरिंग सिस्टम, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड फाइल नंबरिंग सिस्टम, बी ओनली, बोथ ए एंड बी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बी ओनली, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड फाइल नंबरिंग सिस्टम है वो किस प्रणाली में अनुभाग या डेस्क प्रत्येक वर्ष समीक्षा के लिए रखेंगे, कौन से मैटर को सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड फाइल नंबर सिस्टम है इसको रखा जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 257। स्टैंडर्ड हेड्स विल हैव कंसेक्यूटिव सीक्वेंस नंबर्स बट विच फाइल हेड्स विल नॉट हैव दीज नंबर्स। मानक शीर्षों में लगातार अनुक्रम संख्याएं होंगी लेकिन किन फाइल शीर्षों में ये संख्याएं नहीं होंगी, फंक्शनल फाइल्स, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन फाइल्स, स्टैंडर्ड हेड्स, स्टैंडर्ड सब हेड्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, स्टैंडर्ड सब हेड्स, मतलब कि मानक शीर्षों में लगातार अनुक्रम संख्याएं होंगी लेकिन किन फाइल शीर्षों में ये संख्याएं नहीं होंगी, ये स्टैंडर्ड सब हेड फाइल्स में नहीं होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, सब हेड में ये नहीं होंगे। अगला सवाल देख लेते 258। व्हाट हैपेंस इफ द मेन फाइल ऑन ए सब्जेक्ट इज नॉट लाइकली टू बी अवेलेबल फॉर सम टाइम एंड इट इज नेसेसरी टू प्रोसेस ए न्यू रिसिप्ट और नॉट विदाउट वेटिंग फॉर इट्स रिटर्न। क्या होता है यदि किसी विषय पर मुख्य फाइल कुछ समय के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है और उसकी वापसी की प्रतीक्षा किए बिना एक नई रसीद या नोट को संसाधित करना आवश्यक है, मतलब कि कोई फाइल है अभी उपलब्ध नहीं है और उसकी वापसी का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर नई रसीद या नोट को संसाधित करना आवश्यक है, तो ऐसे मामले में क्या करना चाहिए, हाइड द सैड फाइल, वेट फॉर द ओल्ड फाइल टू कम बैक, ए पार्ट फाइल मे बी ओपन टू डील विद इट, मे ओपन ए न्यू फाइल। तो क्या करना चाहिए, पुरानी फाइल मिल नहीं रही है और आगे कार्रवाई करना जरूरी है, नोट तैयार करना है, रिसिप्ट देना जरूरी है, तो क्या करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, ए पार्ट फाइल मे बी ओपन टू डील विद इट, मतलब कि आगे की कार्रवाई के लिए पार्ट फाइल खोली जा सकती है, उसका भाग है वो खोला जा सकता है, उसकी उपशाखा है वो बनाई जा सकती है, उसकी पार्ट फाइल बनाई जा सकती है, जब तक कि पुरानी फाइल लौटेगी उसमें ये सब मैटर है डील कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा, परंतु अभी की कोई कार्रवाई रुक ना जाए उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए एक पार्ट फाइल खोली जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, ए पार्ट फाइल में भी ओपन टू डील विद इट। Move to question number 259. The e-files which are entered in the system will be automatically traceable on any of the following parameters. System में दर्ज की गई e-files निम्नलिखित में से किसी भी पैरामीटर पर स्वचालित रूप से पता लगाने योग्य होंगी, कौन से मामले में होंगी, नंबर ऑफ द फाइल, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फाइल, एज मेनी कैच वर्ड्स एज पॉसिबल फ्रॉम आउट ऑफ द सब्जेक्ट ऑन द फाइल, एनी अदर पैरामीटर्स एट द डिस्क्रिशन ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड, डी ऑल द अबव। अगर आप ई फाइल सिस्टम से काम कर रहे हैं, ई फाइल सिस्टम आपने डेवलप कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली उस फाइल को कैसे ट्रेस किया जा सकता है, कौन से पैरामीटर हो सकते हैं, सभी उत्तर हमारे सही हो जाएंगे, डी हो जाएगा ऑल द अबव। नंबर ऑफ फाइल्स से आप खोज सकते हैं, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फाइल से खोज सकते हैं, एज मेनी कैच वर्ड्स एज पॉसिबल फ्रॉम आउट ऑफ द सब्जेक्ट ऑन द फाइल, मतलब कि कैच वर्ड से भी आप पकड़ सकते हैं उस सब्जेक्ट की फाइल में, और इसके साथ में एनी अदर पैरामीटर्स एट द डिस्क्रिशन ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड, कोई भी दूसरा पैरामीटर लगा करके उस फाइल को खोजा जा सकता है, क्योंकि आप एंटर कर चुके हैं, आप डेवलप कर चुके हैं, ई फाइल सिस्टम या ई इकोसिस्टम है आपने डेवलप कर लिया है,
तो इन सभी पॉइंट के द्वारा आप उस फाइल को खोल सकते हैं। ये सभी आपके पैरामीटर है हो जाएंगे किसको ऑटोमेटिक फाइल को ट्रेस करने के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल द अबव। और यारो देख लेते हैं ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 13 का अंतिम क्वेश्चन 260। व्हाट विल द स्टैंडर्ड हेड्स बियर, मानक शीर्ष क्या धारण करेंगे, वेरिएबल नंबर्स, कंजीक्यूटिव सीरियल नंबर्स, परमानेंट नंबर्स, टेम्परेरी नंबर्स। स्टैंडर्ड हेड्स हैं उसमें क्या लिखा जाएगा, क्या होना चाहिए उसमें। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी कंजीक्यूटिव सीरियल नंबर्स हैं उसमें होने चाहिए। किसमें, स्टैंडर्ड हेड्स में होने चाहिए, मानक शीर्ष में लगातार सीरियल नंबर है वो होने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी कंजीक्यूटिव सीरियल नंबर्स। इस तरीके से फ्रेंड्स ऑफिस प्रोसीजर मतलब कि कार्यालय प्रक्रिया पार्ट 13 का अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और आज हमने चर्चा करी किस प्रकार के हेड होते हैं, फाइल नंबरिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे फाइल को खोजा जा सकता है, कौन ऑर्डर या नोटिफिकेशन पर साइन कर सकता है, ये सब चीजें हैं ऑफिस से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन से आपकी आगामी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जैसे कि LDC, UDC, OS, ASO, SO, FO, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, AC, DC, इन KVS, NVS, DSSSB, UPSC, SSC और अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। डियर फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।